हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको राकेश झुनझुनवाले के बारे में एक अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको सुन के आश्चर्य होगा। राकेश झुनझुनवाला को पूरी दुनिया पूरी इंडिया में जानती है। वो इंडिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट के बोर्ड इन्वेस्टर थे। वो सारे शेयर मार्केट के काफ़ी अच्छे जानकार थे और वो पैसा हमेशा शेयर मार्केट में लगाते थे। लेकिन उनकी पैसा जो लगाते थे तो वो अपने छोटे से मकान में रहते थे। तो उनकी माँ ने बोली थी कि बेटा, तुम अपने शेयर खरीदते इतने पैसा है तो तुम अपने पैसों को कुछ प्रॉपर्टी में क्यों नहीं निवेश करते हो, क्योंकि वहाँ पर भी होना चाहिए, हमारा अपना घर होना चाहिए। तो इसके इस पे उन्होंने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए मुंबई के सबसे महंगे इलाका मालाबार हिल्स में एक फ्लैट खरीदा था 2004 में, और इस फ्लैट की कीमत थी 27 करोड़ रुपया। और उन्होंने इस फ्लैट को खरीदने के लिए क्राइसिल के 27 करोड़ के शेयर को बेच दिया था। और 11 साल के बाद उन्होंने उस फ्लैट को बेच दिया, जो कि 2015 में उन्होंने उस फ्लैट को बेचा की कीमत लगभग 48 करोड़ रुपये थी, और जिससे कि उनको मुनाफा कितना हुआ था, 21 करोड़ रुपये उन्होंने उससे कमाया था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने सिर्फ उस फ्लैट को खरीद के और बेचने में सिर्फ 21 करोड़ लगाया। उस क्राइसिल के शेयर को अगर नहीं बेचे होते, 27 करोड़ रुपये के शेयर नहीं बेचे होते 2015 में, उस शेयर का दाम आप कितना होता आप जानते हैं? उस शेयर का दाम 2015 में लगभग 700 करोड़ रुपया होते। जी हाँ, उस 27 करोड़ के शेयर का दाम 700 करोड़ रुपया होता और 50 करोड़ का अलग से डिविडेंड फंड मिलता उनको। तो समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन माँ की मन को पूरा करने के लिए उन्होंने, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी 500 करोड़ या 700 करोड़ रुपये, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ी चीज़ नहीं थी 700 करोड़ रुपये। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक फ्लैट खरीद के उन्हें सिर्फ कितनी प्रॉफिट हुई थी। एक फ्लैट खरीदने पर सिर्फ उन्हें 21 करोड़ का मुनाफा हुआ था। 27 करोड़ में खरीदा और 48 करोड़ में बेच दिया। लेकिन उसी शेयर को अगर रखते हैं और नहीं बेचते तो कितना मुनाफा होता? 700 करोड़, कई गुना ज़्यादा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।